चौधरी 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 5,000 रुपए प्रति माह युवाओं को देंगे और अगर महिलाओं की बात करें तो 1,000 रुपए प्रति माह हम गृहणियों को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं हूँ मोहम्मद शिराज खान। 14 फरवरी विधानसभा आम चुनाव 2022 के तहत होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदाता भागीदारी प्रदान करने के लिए आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में गांधी समाधि स्थल 10,200 दीपों से जगमगा उठा। इसके साथ ही जिले की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के साथ ही ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरूकता दीप जलाकर लोगों ने अपने मताधिकार के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का संदेश दिया। 14 फरवरी को आयोजित होने वाले मतदान में विधानसभा युद्ध कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार बाजर के द्वारा किया गया। 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक DMA में पोस्टल बैलेट से वोटिंग बारी की पार्टी के कार्यकर्ता वोट डालेंगे अगर उन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है। गैर हाजिर कर्मियों को प्रशिक्षण का अंतिम मौका 9 फरवरी को दिया गया है। इसके बाद गैर हाजिर कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले में 14 फरवरी को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिले के सभी ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों के साथ जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मांझरा ने बैठक कर चुनाव की संवेदनशीलता एवं ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी एवं उसमें दिए गए उद्धरणों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया या अन्य प्रसारों के माध्यम से मतदाताओं पर भ्रम या दबाव फैलाने वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मांदड़, मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।